हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कीवर्ड है स्टूडेंट्स एसिड। एसिड क्या होते हैं? द टर्म एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स सोर। जो एसिड वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड एसरे से लिया गया है स्टूडेंट्स, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा। सो एसिड्स आर सब्सटेंसेज विच आर सोर इन टेस्ट। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एंड टर्न ब्लू रिटमस रेड, और जब एसिड को ब्लू रिटमस के साथ टेस्ट किया जाता है तो ये ब्लू रिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एसिड्स के, जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम सेकेंड कीवर्ड करेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड कीवर्ड है एसिडिक। एसिडिक क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स एसिड इज कॉल्ड एसिडिक। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिड पाया जाता है, उस चीज को हम एसिडिक कहते हैं। यहां पर आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो प्रॉपर्टीज एसिड्स की होती हैं, वही प्रॉपर्टीज एसिडिक सब्सटेंस की भी होती है। जैसे कि एसिड को अगर हम टेस्ट करें ब्लू रिटमस के साथ तो ये ब्लू रिटमस को रेड में चेंज कर देता है, उसी तरह से जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं ये भी ब्लू रिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर एसिड पाया जाता है और एसिड टेस्ट में खट्टा होता है। तो जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं ये भी टेस्ट में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें एसिड पाया जाता है। देखिए यहां पर यही लिखा गया है, एसिडिक सब्सटेंसेज आर सोर इन टेस्ट। एसिडिक सब्सटेंसेज टेस्ट में सोर यानी के खट्टे होते हैं। एंड टर्न ब्लू रिटमस रेड, और ये ब्लू रिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। अब हम थर्ड कीवर्ड करेंगे। थर्ड कीवर्ड है बेस। बेस क्या होते हैं? बेस इज अ सब्सटेंस विच इज सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स जिनको अगर आप टच करें तो वो सोपी फील होते हैं, सोपी मतलब चिकने, एंड बिटर इन टेस्ट यानी कि इनका जो टेस्ट होता है, इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं बेस के, जैसे कि बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेस होते हैं। अब हम फोर्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ कीवर्ड है बेसिक। बेसिक क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स बेस इज कॉल्ड बेसिक। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जिसमें बेस होता है, उस चीज को हम बेसिक कहते हैं। यहां पर आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो प्रॉपर्टीज बेस की होती है वही प्रॉपर्टीज बेसिक सब्सटेंसेस की भी होती है। जैसे कि बेस अगर आप टच करें तो वो सोपी होते हैं, चिकने होते हैं और टेस्ट में कड़वे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं ये भी टच करें तो ये भी सोपी होते हैं यानी कि चिकने होते हैं, इनका टेस्ट भी कड़वा होता है क्योंकि इनमें बेस होता है, और ये भी रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। देखिए यहां पर यही लिखा गया है, बेसिक सब्सटेंसेज आर सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। तो बेसिक सब्सटेंस टच करने में सोपी होते हैं और टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं। बेसिक सब्सटेंसेज टर्न रेड लिटमस ब्लू, और जो बेसिक सब्सटेंसेज होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब हम फिफ्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। फिफ्थ कीवर्ड है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। कुछ स्पेशल टाइप्स के सब्सटेंसेज होते हैं स्टूडेंट्स जिनका यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। यानी आपको मान लीजिए अगर आप दो सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि चेक कीजिए कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, तो इस चीज को चेक करने के लिए आप जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं उन सब्सटेंसेस को ही हम इंडिकेटर्स कहते हैं। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है इंडिकेटर्स के, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज इंडिकेटर। अब हम सिक्स्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। सिक्स्थ कीवर्ड है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। यानी ऐसे सब्सटेंसेज, ऐसी चीजें जो ना तो एसिडिक होती हैं ना बेसिक होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं।
न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं ना तो ये रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते हैं ना ये ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते हैं। और यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स भी दिए हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस के, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। अब हम सेवेंथ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। सेवेंथ कीवर्ड है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस को जब आपस में मिलाया जाता है और इनके बीच में रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। और जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और हीट भी इवॉल्व होती है, यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब हम एट्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। एट्थ कीवर्ड है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो उससे सॉल्ट बनता है। सॉल्ट्स आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। जो सॉल्ट्स होते हैं ना तो वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दिया है आपको सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।